एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, हमारी करीब 550 किलोमीटर लंबी सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो काउंटर टेररिज्म, ड्रग्स, गैंगस्टरिज्म, दूसरा क्राइम, सेफ एंड सिक्योर पंजाब जो है प्रायोरिटी पंजाब पुलिस की हमेशा रही है। बाकी मैं जो भी बहुत अच्छा काम पंजाब में होता रहा है डीजी साहब के करीब 3.5 साल के टेन्योर में, तो जो वो काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम पंजाब पुलिस को लीड कर रहे थे पिछले 3.5 सालों से, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब पुलिस की जो लीडरशिप है। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि जिस दिशा में डीजी साहब सुरेश अरोड़ा साहब लेके जा रहे थे, तो उस दिशा में हम आगे काम करते हैं। देखो, पंजाब पुलिस दे लीडरशिप का तजर्बा इस चीज़ से गर्व वाला होंगे कि भी जी फोर्स है वो हमेशा जरा भी माड़ा वक्त है उसके बीच वो बड़ी दलीरी ना खड़ी हुई है और बहुत दलीरी ना उन्होंने काम किया। और जिन्हों के साथ मैं मेरी फोर्स का मिले और लोगों का विश्वास का मिले और खासकर मीडिया का मिले, तो मैं सारा का दिलों धन्यवाद हूँ। थैंक यू। सर, कुछ नवे डीजी साहब ने कुछ कोई सजेशन देना चाहो जो काम नहीं हो पाए पेंडिंग पे जड़े आज पाइपलाइन में कुछ जी। मैं समझदा कि भी जिवें उन्हें पहला पूछा गया सीगा, पुलिस फोर्स की प्रायोरिटीज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी, लीडरशिप जरूर चेंज होंगी है। और मैं अपना वक्त याद है कि भी जिस टाइम मैं लगाया गया सीगा 2015 दे विच, उस टाइम मैं 3 शब्द इस्तेमाल किए सी जेडे कि मैं अज थोड़ा सा ना साझा करदा। और मैं यही समझदा कि भी ये जी 3 शब्द है गए इन्होंने बहुत साथ दिता मेरा। तो उस समय यह गल की सी गई कि भाई आई फील यू नो मोर रिस्पोंसिबल, मोर अकाउंटेबल एंड नॉट एम्पावर्ड। नॉर्मली एक सोच होंगी है कि भाई जिमें थोड़े हाथ कोई ताकत आ जाती है तो तुम उन्हों मिस यूज़ कर सकते हो। तो मेरा अपने सोच ये रही कि भी ये जी पोजिशन है ये ना लोगों का जो विश्वास है वो थानू ज़्यादा जिम्मेवारी दे नाल, ज़्यादा थानू अकाउंटेबिलिटी दे नाल काम करने की लोड़ होंगी है, ना कि यह सोच के भी हूँ मेरे हाथ डंडा आ गया तो मैं जो मर्जी कर ला। सो मैं यही उम्मीद करूँगा कि थोड़े नए डी जी मिस्टर दिनकर गुप्ता भी इस विश्वास के नाल लोगों के प्रति अपनी सेवा दें। थैंक यू। बिल्कुल नीचे करिए। जो बेसिक प्रायोरिटी है वो सेफ एंड सिक्योर पंजाब, हमारी पंजाब पुलिस की प्रायोरिटी रही और वही प्रायोरिटी रही। मेहनत से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले 2 सालों में, चाहे इन्फोर्समेंट हो, चाहे डी एडिक्शन हो, चाहे रिहैबिलिटेशन हो, और जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स और दूसरा बहुत सप्लाई रिडक्शन में, और बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं उस काम को चाहे एसटीएफ की तरफ से हुआ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया, सब पंजाब पुलिस ने किया, वो काम हम आगे बढ़ाएंगे और जो बड़ी अच्छी फाउंडेशन ले की है एसटीएफ ने उसको हम आगे लेके। सम इशू ऑफ टेररिज्म, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म ऑलवेज टॉक टू, सो हाउ टू टैकल द कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब सामने करेंगे और हम अपना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से।